गुड इवनिंग गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव। इसका जो टिकट के डिटेल्स है ये हमने पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, और जो है अभी हम लोग इस जर्नी को कंप्लीट करने में अभी हम लोगों को लगेगा 4 से 5 घंटा। इसीलिए अभी हम लोगों को बोट में चढ़ने का समय आ गया है, तो हम लोग बोट में अभी चढ़ते हैं। लेकिन एक चीज हमको बहुत खराब लगा कि इसके पहला मंजिला जो है मतलब ऊपर चढ़ने में एक्स्ट्रा ये लोग 10 रुपया करके एक्स्ट्रा ले रहा है। ये सही नहीं है क्योंकि नीचे जितना पैसेंजर है उसको बैठने का जगह नहीं है, लेकिन ऊपर बैठने का जगह फाका है। फिर भी लोग बैठने के लिए जाएगा, देने जाएगा आपको, मतलब इसको आपको भेजेगा, तो दे विल टेक 10 रुपीज एक्स्ट्रा पर हेड। तो दैट इज नॉट गुड। इसमें जब हमने इसको एडिट करने बैठा मैं, तो इसमें बहुत सारा चीज आप लोग हो सकता है कि बोरिंग लगे, लेकिन इसको मैं काट नहीं पाया। इसको एक्चुअली मैंने सामने से देखा ना, तो इसीलिए इसका जो है फीलिंग्स मैं इसको फील किया। अगर हो सके तो आप भी थोड़ा सा इसको सह लोगे और पूरा वीडियो को साथ में देख लोगे, यही आशा करते हैं, और आप लोगों को लेके चलते हैं। जिसमें हम लोग चल के जा रहे हैं, इसको आप लोग लॉन्च बोले या स्टीमर बोले, सब सही है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं समुद्र के बीच में एलिफेंटा केव में, जहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ये सी बर्ड्स, जो कि बहुत सही है बॉस, बहुत सही है। मतलब इसका नेचुरल ब्यूटी, पीछे देखिए शहर है, मुंबई शहर को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बोला कि 2-2, 4 घंटा का टोटल जर्नी है, 4-5 घंटे का जर्नी है, उसी में हम लोग जा रहे हैं। और ये इसके पीछे ये बर्ड्स उड़ के आ रहा है, और हम लोग इन लोगों को खाना हम नहीं दिए लेकिन दूसरा बंदा दिया, और उसी को हाथ से लेके एंजॉय किया। इसी को हम एडिट करने के समय काट नहीं पाया। अगर आप लोग भी अभी यहाँ पर आते हैं तो एलिफेंटा केव बहुत बार देख पाओगे, लेकिन इसमें ये जो एंजॉयमेंट आएगा ये एंजॉयमेंट आपको नहीं मिलेगा। सही माने में सही सही एकदम। हो सकता है कि मेरा भाषा गलत हो जाए, मेरा फीलिंग्स अलग हो जाए, मैं कुछ गलत बोल जाऊं, लेकिन ये पिक्चराइजेशन गलत नहीं हो पाएगा। और समुद्र की ये बीच में जाना कहीं ख़त्म नहीं होता है, कहीं ख़त्म नहीं होता है, सही है। देखिए ये हम लोग खाना दे रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, देखिए कितना सुंदर है। इसको हमसे जितना हो पाए हम इसको डिफरेंट शेड में आपके सामने लाए। देखिए इसको स्लो मोशन में हम भी डाले कि आप देख पाएं इसको, देखिए कितना एंजॉयबल है। देखिए एकदम नज़दीक से बॉस, 1 फुट दूर से हमसे गया ये, और सामने है हम लोग का जहाज, जो जहाज शहर के अंदर नहीं जा पाया, वो जो है उसका जो है सेलिंग करते करते बीच समुन्द्र में रह गया, कि उसका जो है पानी का लेवल अगर डाउन हो जाता है तो जा नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा। ये पोर्ट जो बना हुआ है ये शहर से बहुत दूर तक 2-3 किलोमीटर अंदर आके रखा हुआ है, ताकि जहाज जो बड़ा जहाज आएगा उसका जो क्लियरिंग होगा, वो क्लियरिंग के लिए उसको जहाज को अंदर जाना नहीं पड़े। देखिए ये है वो जहाज, इसके बाद भी ये देखिए एक जहाज, इसमें देखिए सब लेवल रखा हुआ है, लेवल कम हो जाएगा ये जहाज अंदर नहीं जा पाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये खड़ा है। देखिए ये जेटी ये है, ये वाला जेटी है, देखिए ये शहर से बहुत दूर तक आया है। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं आइलैंड पे, जिस आइलैंड पे ये एलिफेंटा केव है। तो यहाँ से ये जो फेरी सर्विस है, यहाँ से मेन जहाँ पे जाना है इसका डिस्टेंस पड़ता है पैदल मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, और यहाँ पे टॉय ट्रेन का भी सिस्टम है जिसमें समय लगता है 5-7 मिनट। ये टॉय ट्रेन का टिकट का दाम पड़ता है 10 रुपया पर हेड, तो हम लोग 4 जन हैं तो 40 रुपये का टिकट लगा, और हम लोग इसमें से चढ़ के अभी जा रहे हैं एलिफेंटा केव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा एलिफेंटा केव के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये एलिफेंटा केव जो है यहाँ पे 3 गाँव बसर करता है, दैट मीन्स 3 विलेज सराउंडेड इन दिस आइलैंड, और इसमें आपको ऊपर चढ़ने में 120 स्टेप चढ़ना होगा। इसके एक्चुअली एलिफेंटा केव कैसे नाम इसका हुआ, इसका ये विशेष ये है कि जब पोर्तुगीज आया हुआ था, तो पोर्तुगीज आइलैंड के सामने से जब गुजर रहा था, तो वो लोग देखा कि एक एलिफेंट यहाँ पे पत्थर का बना हुआ था, वो देख के ये लोग एलिफेंट एलिफेंट करके चिल्लाने लगा। तो उसके बाद ये लोग ये आइलैंड पे आया, और इसीलिए ये आइलैंड का नाम पड़ा एलिफेंटा केव। ये आपका 40 रुपये का टिकट, तो आप अगर गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ आते हैं तो आपको लगेगा, पहला लगेगा आपको वहाँ से 225 टका का बोट में टिकट अप डाउन, फिर लगेगा 10 टका का ट्रेन में टॉय ट्रेन का टिकट,
फिर लगेगा पंचायत का 5 टका का टिकट, 5 रुपये का टिकट। फिर लगेगा आपको यहाँ पे 40 टका का टिकट, मतलब एक बंदे के ऊपर 225 प्लस 10 हो गया 235, 235 और प्लस 240 और 24 280 रुपया। तो यू हैव टू स्पेंड 280 रुपये आपको देना ही है अगर आप एलिफेंटा केव तक पहुँचते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आके जितना भी त्रिमूर्ति यहाँ पे है, शिव जी का मूर्ति बना हुआ है, ये मूर्ति और जितना भी है सबको डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। मतलब किसी का हाथ नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का मुंह नहीं है, कोई किसी का कुछ, सब सही सही तरीके से कुछ नहीं रखा है। तो ये केव के विषय में आपको थोड़ा सा बोल देते हैं। ये केव जो है 36 पिलर के ऊपर ये केव बना हुआ है और एक सिंगल पत्थर में बना हुआ है, पत्थर में सिंगल पत्थर से बना हुआ है। ऐसा ही जो आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही तीन और है, लेकिन एक तो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें से सीलिंग से आपका पत्थर गिर रहा है, इसीलिए उसको बंद करके रखा हुआ है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये एक्चुअली 1400 साल पुराना है, इसको बनाने में 100 साल लगा। इसको बनाया कौन था? इसको बनाया था कृष्णा राजा बोल के, एक कर्नाटका का राजा था, उन्होंने इसको बनाया था, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो यही इसका कहानी है। आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर है ये आइलैंड। अभी जो है हेरिटेज में आता है, मतलब इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, इसको यूनेस्को ने इसको जो है हेरिटेज बोल के, इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी बोल के इसे अनाउंस किया हुआ है। गाइस यहाँ पे जो मेंटेनेंस होता है ये करता है यूनेस्को करता है इसको एक्चुअली। और अभी इसके ऊपर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर फोटो खींचना मना है। और यू कैन टेक स्टिल फोटो बट यू कैन नॉट टेक मूवी, यू कैन नॉट डू मूवी, ठीक है। और ये टोटल जो है चार, जो ऐसे ही केव चार बना हुआ है, चार उसमें दिस इज़ द बेस्ट, उसके बाद बाकी में बहुत खास कुछ नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं पानी, ये रिजर्वर है, इसी रिजर्वर का पानी पिलाया जाता है यहाँ पे, जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको इसी को फिल्टर करके यही पानी पिलाया जाता है। देखिए कितना सुंदर है ऊपर से, देखिए ऊपर जो है धीरे धीरे आस्ते आस्ते। और हाँ एक चीज़ यहाँ पे बहुत हनुमान जी का बहुत बहुत जो है बंदर का बहुत खेला है यहाँ पे, बहुत सावधान। तो हम लोग यहाँ से खाना भी थोड़ा सा खाए, क्या क्या सब्जेक्ट दिया हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि खाने से पहले या खाने के बाद जो भी दिया है तो आप लोग देख पा रहे हैं यही दिया है। हम लोग वही सामान खरीद के और थोड़ा सा हल्का सा मार्केटिंग करके हम लोग नीचे आए, और फिर वही सेम टॉय ट्रेन होके हम लोग आ गए आपका फेरी घाट पे, जहाँ से हम लोग को लॉन्च पे स्टीमर में जाना है। स्टीमर से होके हम लोग फिर गेट ऑफ इंडिया में हम लोग को आना है। तो हम लोग अभी जो है समुंदर के बीच में से वापस आ रहे हैं। इसका डिटेल्स आप लोगों को देते हैं। ये मुंबई गेट ऑफ इंडिया से सुबह 9 बज के सर्विस चालू होता है और 5:30 बजे एलिफेंटा केव से लास्ट जो लॉन्च है मुंबई की तरफ, ये लास्ट 5:30 बजे की है। और इसका बेस्ट टाइमिंग है आपका नवंबर टू फरवरी, इस समय गर्मी कम रहता है, तो वेदर सीजन के साथ सही से ये इस समय बहुत बढ़िया रहता है। और जब भी आप लोग आओगे थोड़ा सा साथ में पानी लेके, ज़्यादा पानी लेके आओगे, ताकि समुंदर में चलने से क्या होता है गर्मी से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, तो वो पानी काम में आ जाएगा। तो होप आप लोग एंजॉय किए, वीडियो एंजॉय किए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा। तो होप ऑल द बेस्ट। आज रात को हम लोगों का टूर है, तो साथ में बने रहिए। होप आप लोग यू हैव एंजॉयड ऑल द वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, गेट ऑफ इंडिया में वहाँ पर जाके हम लोग घूमे फिरे, फिर वापस आने के समय हम लोग गाड़ी में वापस नहीं आए, हम लोग वहाँ से आ रहे हैं अभी चर्च गेट स्टेशन में आए बस से। इसका भाड़ा लगा 4 जन का 25 रुपये। वहाँ से चार्ज गेट से हम लोग टिकट लिए मुलुन का और आया दादर का, आया दादर होकर जाएगी। इसमें हम लोगों को लगा 15 रुपया भाड़ा लगा। तो अभी हम लोग ट्रेन में हैं, अभी ट्रेन में भीड़ चालू नहीं हुआ, इसलिए ट्रेन फाका है। तो यहाँ से 5 स्टेशन चर्च गेट से 5 स्टेशन है, 5 स्टेशन के बाद हम लोग दादर में उतरेंगे और टिकट लेने नहीं पड़ेगा, एक बार में हम लोग ले लिए हैं। फिर दादर से हम लोग मुलुन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और वहाँ से आगे जाएंगे। ये भी एक अलग फीलिंग्स है। एक्चुअली आज हम लोग जल्दी जल्दी इसीलिए ट्रेन में आ गए कि हम लोग क्या है कि आज रात को 11 बजे निकलेंगे बस से, शिरडी साई बाबा के मंदिर जाएंगे। कल सुबह हम लोग का 8 बजे का टाइम फिक्स किया हुआ है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए जाएंगे कि यहाँ पे रोड बहुत जाम रहता है। ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में जाने से क्या होगा, जल्दी जल्दी पहुँच के हम लोग रेस्ट ले पाएंगे।